संपूर्ण मथुरा राज्य सुंदर ढंग से सजा हुआ था। और क्यों न हो, आखिर आज राजा अग्रसेन की पुत्री देवकी का वसुदेव के साथ विवाह होना है। विवाह के दूसरे ही दिन जब वर वधु को विदा किया जा रहा था तो देवकी के भाई कंस ने घोषणा की कि वह खुद रथ को वसुदेव के घर तक चला कर ले जाएगा। उसने रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली और शंख ध्वनि ढोल बाजे के साथ वर वधु विदा हुए। मथुरा के लोगों ने वर वधु पर खुशियों की वर्षा की और नाचते गाते हुए खुशियां मनाई। देवकी का चेहरा किसी दुल्हन की तरह ही खुशी से दमक रहा था। सारा मथुरा आनंद से विभोर था, पर अचानक इस आनंद इस प्रसन्नता पर मानो विराम लग गया। आसमान में काले बादल गिर आए और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख कंस, सावधान हो जा, देवकी का आठवां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने देवकी और वसुदेव की तरफ क्रोध से देखा और वो दोनों भय से कांपने लगे। मैं तत्काल तेरी हत्या कर इस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध कर दूंगा। हे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वासुदेव, तुमने सुना नहीं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसकी हत्या करनी ही होगी। हे कंस, तुम एक बड़े राजा हो, एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर मत लो। आखिरकार हम सबको मारना ही है, देवकी निर्दोष है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकती ना? नहीं। तो कृपा करके देवकी को जीवित रहने दो। मैं ये वचन देता हूँ, वो जब भी किसी बालक को जन्म देगी मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम उसका जो चाहे वो कर सकते हो। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तब तुम दोनों जा सकते हो, पर अपना वचन निभाना मत भूलना। इस तरह खतरे को दूर होता देख वसुदेव ने राहत की सांस ली। मन ही मन उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और सब कुछ भविष्य के ऊपर छोड़ दिया। समय गुजरता गया। आखिर वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन का पालन करते हुए वसुदेव उसे ले गए कंस के पास। हे कंस, ये मेरा प्रथम पुत्र है और मेरे वचन के अनुसार इसे मैं लेकर आया हूं। वसुदेव, इस शिशु को लेकर मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिर तुम्हारे आठवें शिशु द्वारा मेरी हत्या होनी है, मैं इसे अनावश्यक रूप से क्यों स्वीकार करूं? कृपा कर इस शिशु को वापस ले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा है कंस। वसुदेव प्रसन्न होकर वापस तो लौट गए, लेकिन उन्हें शंका थी कि कंस का मन कभी भी पलट सकता है। हे कंस, ये आपने क्या किया? क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि देवकी के सारी संतान स्वयं भगवान विष्णु के अंश है? भगवान विष्णु के सहयोगी तो यादव वंश में जन्म ले चुके हैं। वे सभी आपके और आपके राक्षस मित्रों के खिलाफ युद्ध में उन्हें सहयोग देंगे। हे कंस, सावधान हो ना, कोई खतरा मत मोल लेना। नारायण, 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 नारायण। इतना कहकर नारद वहां से रवाना हो गए।
और हंसपुर की ज्वाला में जलता छू गए। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल कारागार में डाल दिया। क्षण आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे लग में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। देवकी को आठवें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने आठवें पुत्र को देखकर चकित रह गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य था और दोनों ने श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा हेतु ये जन्म लिया है, पर आपके जन्म का समाचार सुनते ही कंस आपकी हत्या करने आ जाएगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, पर उस दुष्ट कंस की दृष्टि आपके इस दैवी रूप पर नहीं पड़नी चाहिए। अतः आपसे विनती करते हैं कि आप सामान्य शिशु का रूप धारण कर ले। हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट की दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया है। पृथ्वी को इन दुष्टों से दुराचार से मुक्त एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। लेकिन मैं कैसे पार कर पाऊंगा? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखा। और नदी ने वसुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया। वसुदेव सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच गए। आखिरकार वो नंद के गांव पहुंच ही गए। मैं ये बालक यशोदा को सौंप देता हूं। याद रहे, इस बारे में किसी को पता न चले। नहीं, तुम्हारी इस आठवीं संतान को मरना ही होगा। छोड़िए।